गोला तहसील क्षेत्र में स्थित बारानगर सरयू नहर की मुख्य शाखा जो पानी से किसानों के चेहरे पर हरियाली देने वाली होती है, वह दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में भी पानी के बिना सूखी पड़ी हुई है। खजनी तहसील अंतर्गत नगर पंचायत उनवल में स्थित वार्ड नंबर 3 टेकवार निकट झारखंडी शिव मंदिर ATS इंटरनेशनल स्कूल टेकवार चौराहा श्री राम कथा महायज्ञ के प्रथम दिवस पर मुख्य यजमान यच्छावर राम त्रिपाठी के द्वारा सर्वप्रथम पूजन अर्चन किया गया। गीडा पुलिस ने 363, 366 सहित अन्य धाराओं में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आज दिनांक 7 दिसंबर 2022 को दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय सहजनवा गोरखपुर में 9 मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पीपीगंज गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST विभाग के अधिकारियों के द्वारा पिछले 2 दिनों से बगल के जिले महाराजगंज में GST चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की खबर लगते ही पीपीगंज बाजार की दुकानों की शटर अधिकतर बंद दिखी। उत्तरी जिले द्वारा भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन समरसता दिवस के नाम पर किया गया। मनोनीत सभासद की माता को झांसा देकर जालसाज ने उड़ाया 75,000 का सोने का चैन। उनवल नगर पंचायत उनवल के मनोनीत सभासद शिव कुमार शाह के घर वार्ड नंबर 10 में आज दोपहर 12 बजे के लगभग एक टपकेबाज जालसाज अज्ञात बुलेट सवार व्यक्ति घर पहुंच उनकी माता श्यामा देवी पत्नी नारद नारायण से बोली, चाची हमें शिव कुमार भैया ने भेजा है और उन्होंने कहा है जो आप चैन पहनी थी उसमें लॉकेट लगवाने के लिए भैया भेजे हैं, उनसे बात कर लीजिए। कुछ देर तक कान में लगाने के बाद उसने कहा कि भैया मीटिंग में हैं और बोले हैं कि आप लेकर ठीक करा दीजिए, हमारे साथ चाचा जी को भी भेज दीजिए अगर आपको विश्वास नहीं है तो। तब उनकी माता जी ने लगभग 15 ग्राम सोने की चैन जिसकी कीमत लगभग 75,000 है उसे सौंप दिया। अपने पति नारद जी को उनके साथ जाने को कहा। धोखेबाज शिवकुमार और शिवकुमार के पिता नारद जी जालसाज के साथ बुलेट पर बैठकर चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद चंद्रकेश गौड़ के घर के सामने वार्ड नंबर 10 में अपनी गाड़ी से उतार कर कहा, चाचा यहीं रुकिए हम आ रहे हैं, और वो रफू चक्कर हो गए। 5 मिनट बाद जब शिव कुमार शाह का फोन आया तब घर पर सारी हकीकत पता चली। खुद को ठगे जाने की सूचना शिव कुमार शाह द्वारा खजनी थाने पर लिखित दे दी गई है। मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में 2 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री अरुण कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला गोरखपुर के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक बढ़लगंज के निकट पर्यवेक्षण में थाना बढ़लगंज की पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 462/22 धारा 308, 323, 504, 506 भादवी से संबंधित अभियुक्तगण जितेंद्र पुत्र रामबदन निवासी महतोपार थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर, श्रीकांत पुत्र रामपति निवासी महतोपार थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही भी की जा रही है। सोनाई खुर्द निवासी ने SDM को शिकायत पत्र देकर नाली बनवाने का मांग किया। सोनाई खुर्द निवासी सतेंद्र ने SDM को शिकायत पत्र देकर नाली बनवाने का मांग किया। उन्होंने कहा कि नाली न होने से जल निकासी नहीं हो पा रही है। क्या नाम है? सतेंद्र। क्या मामला है? मामला यह है पानी के जो है पानी का जो है बहुत दिक्कत है। कहाँ पे? सोनाई खुर्द। हाँ तो समझ लीजिए वह दरखास्त कहा था उसे नुकसान हो रहा। हाँ उधर समझ लीजिए पानी उधर उधर हमारा हालत खराब हो गया। बुआई नहीं हो पा रहा? नहीं नलिया रहा पानी नहीं बह देता तो मतलब नाली नहीं बह देता। हाँ बढ़िया नहीं समझ लीजिए बह देता है तो बहुत दिक्कत है। पहली बार आई? हाँ पहली बार का बहुत दिन से हम परेशानी सहता नहीं बाकी हम उतना नाली जानकारी ना कि हम कहीं फरियाद नहीं किया।
नेट परीक्षा को लेकर मद्राहा विद्यालय में हुई अभिभावक बैठक। गोला ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय मद्राहा पर अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों के साथ एक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्रधानाध्यापक अमित कुमार गुप्ता ने यह बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार अब विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए नेट निपुण असेसमेंट टेस्ट परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसमें बच्चों को विभाग द्वारा प्रदत्त उत्तर पत्रक OMR सीट पर अपना उत्तर देना है और उसका आकलन सरल ऐप के माध्यम से किया जाना है, जिसमें आकलन के पश्चात बच्चों के अधिगम स्तर का पता चलेगा और उसी के आधार पर बच्चों के अंदर और निपुणता लाने के लिए एक सार्थक योजना बनाई जाएगी, जिसके आधार पर कार्य किया जाएगा और सभी बच्चों का मूल्यांकन हो सके, इसलिए शत प्रतिशत उपस्थिति भी होना जरूरी है। मृदु गोपाल दास जी, अभयनाथ जी, शिवरामाचार्य जी और मैं तब कोई पार्टी नहीं थी, भाजपा में कोई दो सीटें थी। 10 वर्षों से केंद्रीय शासक पार्टी है, केंद्र में सत्ताधारी पार्टी, और मैं फिर कह रहा हूँ मोदी जी मेरी बड़ी मित्रता है, यही कह रहा हूँ यही गोरखपुर में फिर 2024 में मोदी यहाँ और क्यों नहीं आई। जय हो।